नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ करिश्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल पहुंचे और एक बार फिर उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आजकल कांग्रेस को उनकी बड़ी चिंता है, अब वे हमारी चिंता न करें। कांग्रेस अब वो पार्टी हो गई है जो दीवार पर रखी इबारत भी नहीं पढ़ पाती है। सुनिए। बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल पहुंचे। भोपाल में उन्होंने एक बार फिर कहा कि कांग्रेस के लोगों को अब उनकी बड़ी चिंता हो रही है। ये चिंता तब कहाँ थी जब मैं वहाँ था। उन्होंने एक बार फिर कहा कि कांग्रेस के लोग अपनी चिंता करें। जहाँ तक कि अनेक स्टेटमेंट्स आ रहे हैं पिछले कई दिनों में, सरकार के बारे में, लोकतंत्र के बारे में, मेरे बारे में, इतनी चिंता इन लोगों को अब हो रही है जो चिंता उस समय में नहीं थी, ना जनता की, ना प्रदेश की, ना किसी विषय की। सिंधिया ने कहा कि अब हम लोग शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में बेहतर काम कर रहे हैं। सिंधिया ने कहा कि बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश की जनता के लिए काम करेगी और विकास के नित नए कदम उठाएगी। और मुझे इस बात का गर्व है कि शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो एक जनता के प्रति चिंता, संवेदनशीलता हमारी सरकार ने दिखाई है, मुझे विश्वास है कि आने वाले 3 सालों में विकास और प्रगति और जनहित के नई ऊंचाइयों को मध्य प्रदेश की सरकार छुएगी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र भी छुएगा। मुख्यमंत्री शिवराज और सिंधिया ने एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोला। दोनों नेताओं ने कहा कांग्रेस एक ऐसी पार्टी हो गई है जो दीवार पर लिखी इबारत को भी पढ़ नहीं पाती। लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाने जा रही है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, उससे क्या होता है। 100 चूहे खाकर जैसे हज पे बिल्ली निकलती है, आज वो स्थिति मध्य प्रदेश की हो गई है और वही स्थिति राष्ट्र भर में है। जो इबारत पे लिखी गई बात भी जो पहचान न पाए, उनके बारे में और उन दल के बारे में जितना हम कहें वो कम है। भोपाल से जितेंद्र शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।